Today we are going to discuss about the land resources. Earlier we have discussed about water resources and forest resources. Basically, the land resources are those resources in the form of the land in which we do our daily activities, like every kind of activity like agriculture, school, colleges, universities, roads, construction, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है लैंड पे ही होती है. और जो भी हमारे मेजर रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, वाटर बॉडीज हो, ग्लेशियर्स हो, दे आर प्रेजेंट ऑन द लैंड. मीन्स लैंड इज एनकम्पासेस मेनी अदर रिसोर्सेज, चाहे वो मिनरल की फॉर्म में हो, चाहे वाटर के फॉर्म में हो, चाहे फॉरेस्ट्स के फॉर्म में हो. तो अब जो यहाँ पे आज का लेक्चर जो है, बेसिकली हम कोरिलेट करेंगे लैंड रिसोर्सेज को विद एग्रीकल्चर, बिकॉज जो हम बाकी रिसोर्सेज जो हम पढ़ रहे हैं जैसे वाटर रिसोर्सेज, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन सेपरेट लेक्चर. आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दैट वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्स, बट अदर रिसोर्सेज वी विल बी डिस्कसिंग लाइक एनर्जी रिसोर्सेज. वी आर डिराइविंग वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लैंड इन द फॉर्म ऑफ कोल. कोई भी ऐसा रिसोर्स जो लैंड के ऊपर या उसके नीचे हो, हम जो हम बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स हो, चाहे गोल्ड हो, डायमंड्स वगैरह हो, कोल हो, तो वो सब लैंड रिसोर्सेज में ही आते हैं. बट वी विल डिस्कस ऑल दोज रिसोर्स सेपरेट लेक्चर्स. टुडे वी विल बी कोरिलेटिंग द लैंड रिसोर्सेज विद एग्रीकल्चर. तो अगर अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो लैंड है कितना अवेलेबल है फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कितना लैंड खाली है, वेस्ट लैंड, दैट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास. सो जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ऑन द लैंड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी जगह कम है. जैसे डेजर्ट्स में वाटर रिसोर्सेज कम है, तो डेजर्ट्स माइट बी हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और एनी काइंड ऑफ जो भी इनलैंड जो रिसोर्स होते हैं, ज़मीन के अंदर जो रिसोर्स होते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हो, सॉइल की जो टोपोग्राफी कैसी हो, सॉइल का जो है वाटर टेबल कैसा हो, तो उस काइंड के, उस टाइप के हमारे रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द लैंड. तो लैंड का मैंने कल बताया था आपको, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल. सॉइल मीन्स अ टॉप 15 सेंटीमीटर ऑफ लैंड, जो ऊपर जमीन के ऊपर टॉप 15 सेंटीमीटर होता है, उसको हम सॉइल बोलते हैं. दैट इज वेरी, बेसिकली वेरी एक्टिव पोर्शन दैट इंक्लूड्स वेरियस ऑर्गेनिक मटीरियल्स, इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इंडिया का अगर हम एक्सटेंट देखें, लैंड एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज़ ओनली 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स एरिया. तो ये 2.4 एरिया जो इंडिया का है, ये सपोर्ट करता है वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन को. मीन्स देर इज़ वेरी हाई स्ट्रेस ऑन द लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. तो इन राउंड फिगर जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, वो है 329 मिलियन हेक्टेयर्स. तो मिलियन हेक्टेयर्स में ही एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं एक बड़े पैमाने पे एरिया. तो जो लैंड अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा, जैसे हमने पिछली बार पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस किया था, देन वी विल बी डिस्कसिंग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. तो फॉरेस्ट में 0.1 हेक्टेयर्स पर कैपिटा आता था. तो ऑब्वियसली जो ये लैंड है, इसका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज फॉरेस्ट जो है खाली राइट नाउ ओनली 21% ऑफ टोटल इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया. अब हम यहाँ पे पूरा 329 मिलियन हेक्टेयर्स को डिवाइड करते हैं बाय टोटल पॉपुलेशन, देन दिस फिगर विल कम आउट 0.848 हेक्टेयर्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी लैंड इन इंडिया. तो उसके अलावा अगर इसको कंपेयर करेंगे, जैसे फॉर्मर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन था, वहाँ पे 8.43 हेक्टेयर्स पर कैपिटा, चाइना में 0.98 है, क्योंकि चाइना का जो एरिया भी बड़ा है,
एंड देन पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। देन उसके अलावा इंडिया में लैंड्स को, अब तो ये बताया है हमने कि मतलब क्या है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, कितना लैंड रिसोर्स, बट उसमें हम लैंड रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कल्टिवेटेड लैंड, कल्टिवेटेड लैंड वो होता है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मेन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे राइस ग्रो हम ग्रो करते हैं पर्टिकुलरली इन साउदर्न इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, वहाँ पे राइस बेल्ट उसको बोलते हैं। पंजाब में भी होता है बट नॉट दैट हाई इंटेंसिव। तो पंजाब हरियाणा ये यूपी वगैरह में ज़्यादा वीट गंदुम की कल्टिवेशन होती है, कनक की कल्टिवेशन होती है। तो ये एरिया जो है डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, वहाँ पे सॉइल टाइप कैसी हो, तो उस टाइप के क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली दे ग्रो वीट एंड साउदर्न इंडिया में दे मोस्टली ग्रो राइस। दो वेस्ट बंगाल वगैरह जैसे कॉटन की बात करते हैं, देन कॉटन इज ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ आंध्रा महाराष्ट्र गुजरात वगैरह। और जो कोर्स मिलेट्स होते हैं जैसे बारले वगैरह, ये ग्रो किया जाता है गर्म इलाकों में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, जैसे राजस्थान वगैरह या साउदर्न इंडिया में। तो ये पूरा जितना भी लैंड है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कल्टिवेटेड लैंड। तो इसमें जो एरिया है दैट इज 142 मिलियन हेक्टेयर्स। आउट ऑफ दिस 329 मिलियन हेक्टेयर्स, 142 मिलियन हेक्टेयर्स कम्स अंडर द कल्टिवेटेड लैंड, मीन्स एग्रीकल्चर लैंड। ये मोर और लेस सेम ही रहता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, इतना डिक्रीज नहीं हुआ है। बट ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जैसे हम रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे पर्टिकुलर इन जम्मू एंड कश्मीर में हम देखते हैं, पर्टिकुलर इन कश्मीर में देखते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को एट फास्ट रेट कन्वर्ट किया जाता है इन रेजिडेंशियल एरियाज़। हम अगर एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की बात करें, दैट इज स्टिल इन एग्रीकल्चर एज अ पार्ट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, बट मोस्ट ऑफ द लैंड इज कन्वर्टेड इन टू द रेजिडेंशियल। जैसे पैडी फील्ड होता है उसको धीरे धीरे एनक्रोच करते हैं लोग, अपना ही होता है उनको ज़मीन, बट दे स्टार्ट बिल्डिंग हाउसेस। तो ये जो कल्टिवेटेड लैंड है, हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिक्रीज हो जाए इंडिया में बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे कश्मीर में मेन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे बाहर की तरह जैसे जम्मू या स्टे जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जो एरियाज़ है वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं, 10, 15, 20 या 30 माले तक भी बिल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है बिकॉज इट कम्स अंडर द अर्थक्वेक जोन 5। तो यहाँ पे उतने ऊंचे में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंजिला होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़े मकान होंगे देन देयर विल बी चांसेस दैट दे विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स, क्योंकि अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। तो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है स्प्रेड आउट होता है टू द लैंड एरिया। तो धीरे धीरे यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी एक्सपर्ट्स है फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव शोन देर इज एन क्रिटिकल डिक्रीज इन एग्रीकल्चर एरिया इन कश्मीर पर्टिकुलर, बट जम्मू में तो ठीक है, जम्मू में एग्रीकल्चर एरिया ठीक ठाक है एंड देन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दे कम फ्रॉम द जम्मू। तो ये था सिनेरियो इंडिया में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में तो दो चीज़ें हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन में एक तो हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी। तो प्रोडक्शन दो तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, या तो ये कल्टिवेटेड लैंड जो है हमें इंक्रीज करना है, बट कल्टिवेटेड लैंड को इंक्रीज करना उतना इजी नहीं है बिकॉज या तो बहुत सारा जो लैंड है दैट इज अंडर द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स या फॉरेस्ट्स में है, प्रोटेक्टेड लैंड्स में है, या अदर चीज़ें हैं जिसमें वो हम दे कैन नॉट बी प्रोड अंडर द एग्रीकल्चर। बट इन ग्रीन रेवोल्यूशन दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मीन्स कि 142 मिलियन हेक्टेयर्स है, इसी से कितना हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वराइटीज, इंटेंसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इंटेंसिव यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो उससे जो जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो
मोर लैंड अंडर द कल्टिवेशन से भी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, बट नाउ इन फ्यूचर जो स्ट्रेटजीज है कि ये कल्टिवेटेड लैंड और डिक्रीज हो रहा है, वो शुड गो फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन, बट अंडर द वेरियस प्रोडक्ट्स, जिसे हमें उसको रेनबो रेवोल्यूशन कहते हैं, हमें खाली जो है सीरियल क्रॉप्स के लिए नहीं करना है, बट वी हैव टू डू एन ओवरऑल ऑल राउंड काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था। उसके अलावा फॉरेस्ट लैंड पिछली बार जो 19% मैंने कहा था, दैट वाज 63 मिलियन हेक्टेयर्स, बट अराउंड 2005 से जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, दैट इज ऑन एन एवरेज फ्रॉम 67 टू 68 मिलियन हेक्टेयर, दैट कम्स अराउंड 21% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। तो ये तो फॉरेस्ट लैंड है, तो इसमें भी हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, द डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। तो कितना एरिया है किस जो है क्लासिफिकेशन में। देन देयर इज अनदर नॉन एग्रीकल्चर एरिया, नॉन एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली जिसपे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये तकरीबन 20 मिलियन हेक्टेयर्स आउट ऑफ 329 मिलियन हेक्टेयर्स है। देन बैरन एंड पास्चर्स, बैरन होता है बंजर, पास्चर्स होता है जहाँ पे वो मवेशी वगैरह जो है चरवाए जो है अपनी मवेशियों को घास वगैरह खिलाता है, जिसको कश्मीरी में चरई अथवा जो उसको पास्चर लैंड बोलते हैं। बेसिकली ये स्टेट ओनड लैंड होता है और कुछ कुछ जो है लीज पे भी दिया जाता है टू द प्राइवेट ग्रोवर्स जो होते हैं फार्मर्स को, तो वो लीज पे होता है। तो ये भी है तकरीबन 55 मिलियन हेक्टेयर्स। एंड देन फैलो लैंड, फैलो लैंड मीन्स कि हम उसमें जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो हर साल ये तकरीबन 25 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास आता है। वी विल बी डिस्कसिंग दीज ऑल कैटेगरीज कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसके बाद पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देन वेस्ट लैंड जो है इंडिया का है तकरीबन अंडर वेरियस वेस्ट लैंड कैटेगरीज, दैट इज अराउंड 55.41 मिलियन हेक्टेयर्स। सो आउट ऑफ 55.41 मिलियन हेक्टेयर्स अराउंड 3.99 और 4 मिलियन हेक्टेयर्स कम्स अराउंड द साल्ट अफेक्टेड लैंड। साल्ट अफेक्टेड लैंड होता है बेसिकली मोस्टली इन कोस्टल एरियाज वेयर देर इज अ साल्ट वाटर इंक्लूजन। साल्ट वाटर इंक्लूजन क्या होता है, समंदर का पानी जमीन के अंदर आ जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ द सुनामी, मे बी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म सर्जेस जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स की वजह से, या उसके अलावा भी एक रीजन है जैसे साल्ट वाटर इंट्रूजन होता है इनटू द ग्राउंड वाटर, जो हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं उसमें भी जो है समंदर का पानी, सीज का पानी आ जाता है नीचे से, फिर वो कैपिलरी एक्शन की वजह से या इरिगेशन वाटर हम ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, देन उसकी वजह से भी साल्ट एक्यूमुलेशन होता है। और अनदर रीज़न इज़ जो हम नॉर्मली ग्राउंड वाटर से इरिगेशन करते हैं किसी भी एरिया में, और पीरियड ऑफ टाइम जो ग्राउंड वाटर उसमें मिनरल्स और सॉल्ट कंसेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा ही होते हैं, बिकॉज वो रॉक्स के कंटेक्ट में होता है, रॉक्स की वेदरिंग होती रहती है, उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम ग्राउंड वाटर से इरिगेशन करते हैं तो सॉल्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो ऐसे एरियाज में तो वो पैचेस होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पैचेस सोडियम के, जिसे लगता है चमक जैसी है उन लैंड्स पे। तो ये साल्ट अफेक्टेड लैंड तकरीबन 3.99 मिलियन हेक्टेयर्स है। इसकी कंसंट्रेशन, इसका जो एरिया है, इट इज ऑल्सो इन कोस्टल एरियाज एज वेल एज इन इंडो गैंगेटिक रीजन। जो इंडो गैंगेटिक रीजन है जहाँ पे हाईली इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वहाँ पे भी जो साल्ट अफेक्टेड लैंड इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द हाई विड्रॉवल रेट्स ऑफ द ग्राउंड वाटर, तो उसकी वजह से भी साल्ट वाटर एक्यूमुलेट हुआ है ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड। देन अनदर कैटेगरी इज गलीड एंड रवाइन लैंड्स। गलीड एंड रवाइन लैंड्स होते हैं वो लैंड्स जो बेसिकली वाटर इरोजन की वजह से, वाटर से जो सॉइल इरोजन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशल एंड टेम्पोरली, वो जो ऊपर वाली जो लेयर है सॉइल की वो बह जाती है पानी के साथ एंड ग्रेजुअली, तो वो डीप हो जाती है धीरे धीरे, तो वो गलीज बनाती है, छोटी छोटी चैनल्स बनाती है, रिवाइंस बनाती है। अगर आप उसको हम
क्या बोलते हैं कश्मीरी में या उर्दू में, खंदक जैसा बनाते हैं वो, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मकान वगैरह नहीं बना सकते, रोड्स नहीं बना सकते, वो तो एक वेस्ट है। तो ये भी तकरीबन 6.73 मिलियन हेक्टेयर्स है आउट ऑफ 55.41 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। देन अनदर कैटेगरी इज अंडुलेटिंग अपलैंड विद और विदाउट स्क्रब। अंडुलेटिंग अपलैंड मीन्स कि ऊपर खापड़ ज़मीन है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पत्थर है, देन तो उसमें भी छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह है जो अक्सर पहाड़ी के आसपास होती है, झाड़ियाँ वगैरह। तो ऐसे भी है जैसे त्राल वाला इलाका है तो अक्सर उसमें जो है ऊपर खापड़ ज़मीन है, प्लेन नहीं है बेसिकली। उसमें भी अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहते हो तो नीचे से पत्थर निकलेंगे ऊपर वाली जो पहाड़ी वाली ज़मीन है, तो हम उसमें तो बहुत इंटरवेंशंस करनी पड़ेगी, तो वहाँ से वो जो निकालने पड़ेंगे उसको लेवल करना पड़ेगा, देन इट कैन बी ब्रॉट अबाउट ब्रॉट फॉर सम यूज़। जैसे मकान बनाना होगा तो हमको पहले उसको लेवल करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करने से वहाँ से पत्थर वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो लद्दाख में भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस है तो उनको भी ये प्रॉब्लम थी कि वो पूरा जो उनका लैंड है वहाँ से निकालना, जैसे आपका कॉलेज का ज़मीन है तो वहाँ से भी अंदर से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं। तो ऐसी जो जो लैंड्स होते हैं बहुत ही जो होते हैं हार्श होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसमें न्यूट्रल लेवल बहुत कम होती है, तो वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्क्रब्स को, वो कांटेदार जो होते हैं अक्सर वाइल्ड पोमेग्रेनेट जो अनार का होता है वाइल्ड जंगली, वो ग्रो होते हैं, या कांटेदार कोई वो झाड़ियाँ वगैरह ग्रो होती है। तो इस टाइप के जो लैंड्स है दे काउंट फॉर 11.74 मिलियन हेक्टेयर्स। देन जूम और फॉरेस्ट ब्लैंक, अगर आप रिमेम्बर कर रहे हैं कि हमने एक डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट में एक रीज़न ये भी बताया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जिसमें एक पैच जो है फॉरेस्ट का सेलेक्ट किया जाता है बाय द ट्राइबल्स, जो भी जिनको भी लीज पे दिया जाता है वो उसको जलाते हैं अलॉन्ग विद द ट्रीज, देन दे गो फॉर द नेक्स्ट पैच 3-4 साल के बाद जब उसकी न्यूट्रल लेवल डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे पैच भी जो है जो बेसिकली बैरन हो जाते हैं, जिसमें फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज हो जाती है, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, दे आर अराउंड 6.24 मिलियन हेक्टेयर्स। देन सैंडी एरिया जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, थार डेजर्ट, तो पूरा रेतीला ज़मीन है, या कोस्टल एरियाज है वहाँ पे भी रेत होती है, वो भी मतलब कोई भी एक्टिविटी के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो इस टाइप के लैंड भी तकरीबन 13.94 मिलियन हेक्टेयर्स है। देन बैरन हिल रिजिस, जो पहाड़ी के आसपास जो ज़मीन होते हैं बैरन होते हैं, पथरीले ज़मीन होती है जिसमें नॉर्मली कोई वाइल्ड प्लांट भी ग्रो नहीं होता है इजीली। हम ये कह सकते हैं दैट इज़ एन इनिशियल स्टेज ऑफ सक्सेशन जो हमने डिस्कस किया, जिसमें पहले लाइकन्स वगैरह आते हैं किसी भी पहाड़ पे, फिर देन दे ग्रेजुअली देन ब्रायोफाइट्स श्रब्स हर्ब्स वगैरह वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक इनिशियल स्टेज ऑफ सक्सेशन पे है, तो जहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है इन फ्यूचर कोई कम्युनिटी ग्रो हो जाए, बट करंटली वहाँ पे ऐसा कोई भी जो है कम्युनिटी ग्रो नहीं होती है, हो सकता है कोई हो रही हो इनिशियल स्टेज पे। देन दिस इज ऑल्सो 2.7 मिलियन हेक्टेयर्स। देन स्नो कवर एंड ग्लेशियर्स, जो माउंटेन पीक्स पे जो ग्लेशियर्स होते हैं दे ऑल्सो आर द वेस्ट लैंड्स बिकॉज वी कैन नॉट ब्रॉड देम अंडर द कल्टिवेशन, उसमें हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई मकान नहीं बना सकते। ग्लेशियर्स पे अगर आप जाते हैं वहाँ पे आपको सब कुछ यहीं से ले जाना पड़ता है, सामान खाने पीने का वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर एंड स्नो कवर एरियाज जो होते हैं वो भी वेस्ट लैंड में ही टेक्निकली कैलकुलेट किए जाते हैं। दैट इज़ अराउंड 10.07 मिलियन हेक्टेयर्स। तो ये टोटल जो एरिया है इंडिया में वेस्ट लैंड का दैट इज़ 55.41 मिलियन हेक्टेयर्स। तो जब जैसे अब कैटेगरीज है एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजीज में, जैसे डिफरेंट जो लैंड्स होते हैं कि
किस हिसाब से वो ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में, मतलब उसको करते हैं. तो इससे पहले मैं ये बताऊंगा जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का एक्चुअल एरिया दैट इज़ अराउंड 329.73 मिलियन हेक्टेयर्स. तो इसको फिर राउंड फिगर में हम जो है 329 मिलियन हेक्टेयर्स बताते हैं. बट ये एक्चुअली है जियोग्राफिकल एरिया, बट रिपोर्टेड एरिया इज़ वेरी लेस, इससे कम है रिपोर्टेड एरिया. देन यू सर्च फ्रॉम द इंटरनेट कि व्हाट इज़ द रिपोर्टेड एरिया ऑफ इंडिया. ये तो जियोग्राफिकल एरिया है जो से बाउंड्रीज वगैरह है, तो उससे हमने जो एरिया को कैलकुलेट किया. बट रिपोर्टेड एरिया जो बेसिकली कागजों में दर्ज है कि ये एरिया इसका है, ये एरिया इसके अंडर है, बहुत सारे एरिया रिपोर्ट नहीं गया. जैसे लद्दाख में बहुत सारे एरिया रिपोर्ट नहीं किया गया बिकॉज इट इज़ वेरी बैरन, दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं रहता है. देन फर्स्ट कैटेगरी इज नेट सोन एरिया. तो ये किसी भी साल में कोई कितना भी लैंड जो होता है अंडर प्रोडक्शन होता है, अंडर कल्टिवेशन होता है, दैट इज कॉल्ड नेट सोन एरिया. क्रॉपड एरिया इन ए ईयर अंडर कंसिड्रेशन इज कॉल्ड नेट सोन एरिया. किसी भी एरिया में, इंडिया में कितने एरिया में एक साल में प्रोडक्शन होती है, मतलब ये डिपेंड करता है कि हो सकता है बहुत सारे पैच खाली रहेंगे किसी साल में, अगले साल में वो उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी. तो ये डिफर करता है हर साल. तो एवरेज इनका तो सेम ही है बट वेरी करता है, कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द, फॉर एग्जांपल मानसून कमज़ोर है, रेनफॉल नहीं हो रही है, देन सम जो फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर अपने जो लैंड पे नहीं करते बिकॉज उनका जो है रिसोर्स ज़ाया हो सकते हैं, फर्टिलाइजर वो अप्लाई करते हैं, सीड्स वो अप्लाई करते हैं, वो ज़ाया हो सकते हैं. देन दे गो डिड नॉट गो फॉर द एग्रीकल्चर फॉर पीरियड ऑफ टाइम जब तक मानसून आ जाए. तो हो सकता है उस साल जो है नेट सोन एरिया डिक्रीज हो जाएगा. तो ये बेसिकली पूरा जो कंट्री का इकोनॉमी जो है डिपेंड करता है इस पर कि नेट सोन एरिया अगर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, देन नेचुरली जो है जो इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी. देन अनदर कैटेगरी इज़ द एरिया सोन मोर देन वंस. किसी भी साल में किसी भी एरिया पे एक से ज़्यादा फसल जब उगाए जाएंगे उसको नेट एरिया सोन मोर देन वंस. तो अगर दिस अकाउंट्स फॉर अबाउट 34.3% ऑफ नेट सोन एरिया. तो ये जो नेट सोन एरिया है इसमें से तकरीबन तकरीबन 34% ऑफ जो एरिया है उसमें साल में दो बार फसल उगाई जाती है. ठीक है, तो जितना भी कंट्री का एरिया है उसका अगर आप देखेंगे दैट इज 16.6%. तो ये जो है साल में इस पे दो बार फसल ग्रो की जाती है. ये डिपेंड करता है, जैसे वेस्ट बंगाल में साल में 3 बार भी राइस ग्रो की जा सकती है. तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ सर्टन जो है पैरामीटर, जैसे क्लाइमेट किस टाइप का होगा, देन वाटर अवेलेबिलिटी, फर्टिलिटी, तो ये उस पे डिपेंड करता है. देन अदर कैटेगरी इज़ फॉरेस्ट. ये तो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि फॉरेस्ट इज़ तकरीबन जो है अभी 67-68 मिलियन हेक्टेयर्स है. एंड एज पर जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 उसके हिसाब से प्लेन्स में आपको 33% ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड इन द फॉरेस्ट एंड इन हिल्स दैट शुड बी 67%. तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, तो कोई भी लैंड एग्रीकल्चर के लिए कल्टीवेशन में नहीं आता है. दैट कुड बी ऑफ बिकॉज ऑफ टू रीजंस, मे बी फॉर इट इज नॉट फॉर एग्रीकल्चर यूज़. तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में आपका जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आता है. या ये दो ही रीज़न हो सकते हैं एग्रीकल्चर में नहीं लाने के, या तो हम इसको अदर रेजिडेंशियल फैक्ट्रीज वगैरह कमर्शियल में यूज़ करते हैं, या ये बैरन है या वेस्टलैंड है जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते. तो दैट इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. तो इसमें यहाँ पे भी मेंशन किया जैसे विलेज, रोड्स, टाउन्स, रेलवेज, जो भी हम बनाते हैं एक्टिविटीज़ वो आता है. एंड देन परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स. जो पास्चर्स होते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. जो एक गवर्नमेंट लैंड होता है जिसपे बेसिकली जो कैटल्स वगैरह जो फीड करते हैं. तो ए टोटल एरिया ऑफ 11 मिलियन हेक्टेयर्स इज डिवोटेड टू परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग. तो इंडिया में तकरीबन 11 मिलियन हेक्टेयर्स जो है पास्चर्स वगैरह के लिए, मतलब
डेलिनियट किया गया है कि ये पास्चर्स है। तो ये टोटल है 4% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री। तो इसमें मोस्टली जो फॉरेस्ट के आसपास ही जो लैंड्स है उनको फॉरेस्ट वगैरह जो है उसको ग्रेज जो है पास्चर्स वगैरह बनाया जाता है। ग्रेजिंग लैंड्स जो मीडोज होते हैं वो भी जो है पास्चर्स होते हैं, जो हम अक्सर जाते हैं ना दूध पथरी वगैरह, तो मीडोज कहलाते हैं। तो दे आर ऑल्सो पास्चर्स, दे कम डायरेक्टली अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो अब उसको जो है इको टूरिज्म के अंडर भी लाते हैं वो। तो उसके बाद है आपका ये वाला एरिया मैप है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये एरेबल लैंड है, जो ये लाइंस वाला है, एरेबल लैंड मींस दैट कैन बी ब्रॉट अंडर द एग्रीकल्चर। ये आप देख सकते हैं ये प्लेन्स में, दैट कैन बी ब्रॉट अंडर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो फॉरेस्ट लैंड जो ये वाला जो हिमालयन रीजन है, दैट इज़ द फॉरेस्ट लैंड, बिकॉज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिल्स। एंड देन वेस्ट लैंड जो ये वाला है राजस्थान का एरिया, डेजर्ट्स, देन गुजरात में कुछ पोर्शन है, यहाँ पे भी है कोलकाता में वगैरह। तो ये बेसिकली एक मैप है जिससे हम बता सकते हैं कि एरेबल लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड कल्टिवेटेड लैंड क्या क्या होता है। अब वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी ने डिफाइन किया कल्चरल वेस्ट। कल्चरलेबल वेस्ट क्या होता है? लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बट नॉट यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन फॉर वन एंड अनदर रीजन। कल्चरल लैंड मतलब वो हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में उसको कन्वर्ट, बट बिकॉज ऑफ सम सर्टन रीजन वो नहीं करते हैं। दिस लैंड वॉज यूज इन पास्ट बट हैज़ बीन अबंडेंट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। तो फैलो लैंड, इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज आते हैं फैलो लैंड, जो हम फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, या तो उसमें फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज हो गई, उसको हम फैलो छोड़ते हैं। फैलो मीन्स ऐसे खाली छोड़ते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2, 3, 5 साल तक उसमें फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज हो। ये एक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर में, एक कंसेप्ट है कि अगर आप किसी भी ज़मीन को ऐसे खाली छोड़ते हैं तो जो उसका अपना सिस्टम होता है तो उसमें हो सकता है फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कुछ मिनरल्स जो फिक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएच, इन केमिकल कंडीशंस इन द सॉइल, तो वो रिलीज हो जाता है फिर से बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्शंस। तो इस टाइप को जो लैंड्स है बेसिकली फैलो लैंड्स किए जाते हैं। इसमें करंट फैलो, फैलो एंड अदर करंट फैलो जो लैंड आते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उसके अलावा मेजर जो डिग्रेडेशन होती है लैंड रिसोर्सेज की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन जो होता है दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज वाटर जो से होगा उसको वाटर इरोजन बोलेंगे, सेकंड इज अ विंड इरोजन। तो वाटर इरोजन जो है जब भी किसी भी एरिया से वाटर का जो है बहाव है, फ्लो है, बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे जो वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, बह जाती है विद द वाटर, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। देन ग्रेजुअली लीड्स टू द, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, रिल, गली, रेवाइन, स्टेज है। तो पहले अगर थोड़ा सा पानी गिरेगा तो रिल इरोजन उसको कहते हैं। देन वही जो चैनल्स थोड़ी थोड़ी डीप हो जाती है जब पानी ज़्यादा बहने लगता है, देन इट क्रिएट्स गलीज। एंड उसके बाद ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्पोरल स्केल पे अगर हम देखेंगे तो वो पूरा रेवाइंस वगैरह बनाते हैं। तो वैसे ही विंड इरोजन भी होता है। वो क्या होता है कि सॉइल को जो है बहा ले जाता है विद द फ्लो ऑफ एयर। तो उस पे भी साल्टेटिंग जो है सॉइल पार्टिकल्स मूव हो जाते हैं, तो टॉप सॉइल की जो फर्टिलिटी है बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। तो ये रीजंस है सॉइल इरोजन के। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे वेजिटेशन जो लेवल है डिक्रीज हो जाती है, एंड देन इट क्रिएट्स डेजर्टिफिकेशन। मीन्स डेजर्टिफिकेशन क्या है? वो स्मॉल पैचेस ऑफ कहीं जो है बुशेस वगैरह होती है, तो एक बेसिकली ट्रांजिशन होता है कि एक ग्रीन पैच कन्वर्ट हो जाता है टू द डेजर्ट। उसमें एक ट्रांजिशन जोन होता है, छोटे छोटे पैचेस होते हैं, बुशेस होते हैं ग्रासेस के। तो ये आपका, उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन होती है बिकॉज ऑफ वेरियस जो सॉइल इरोजन हम करते हैं। तो उसके अलावा माइनिंग वगैरह करते हैं, हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट वगैरह करने के लिए, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी जो है लैंड डिग्रेडेशन होती है। तो कुछ कुछ कंजर्वेटिव मेथड्स है जिसकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। जैसे कंजर्वेशन टिलेज फार्मिंग। कंजर्वेशन टिलेज फार्मिंग में क्या होता है, मिनिमम
जो है हम सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पैडी ग्रो किया, पैडी के जो जो होते हैं ना वो स्टम्स उसी में होते हैं, मिट्टी में ही, तो हम उनको जो है प्लोहिंग नहीं करते, हम उसको जोतते नहीं है। उसी में हमने जो कुछ एक्टिविटी की, उसमें सीड हमने डाले, तो उसमें जब सीड ग्रो हो जाएंगे और धीरे धीरे वो जो स्टेम्स जो स्टोबल्स बोलते हैं उनको, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है सॉइल जो है डिग्रेड नहीं हो जाती है। कंटूर फार्मिंग, ये अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिकॉल कर रहे हैं लेक्चर, उसमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंटूर फार्मिंग जो हिल स्लोप्स के जो स्लोप के उस पर एक बैचेस बनाते हैं, उस पर फिर फार्मिंग करते हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, टेरेसेस बनाते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, देन एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग होता है बेसिकली, एक पहले बुशेस लगाते हैं, फिर बीच में उसमें हर्ब्स वगैरह कुछ क्रॉप्स लगाते हैं, तो उससे भी सॉइल रुक जाती है। विंड ब्रेक्स लगाते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं ना विल्लोज होते हैं या पॉपुलर प्लांट्स होते हैं, तो वो भी जो है विंड की स्पीड को रोकते हैं, दे एक्ट एज ए विंड ब्रेकर्स। फिर वाटर लॉजिंग जो है, हम पानी जो है किसी एरिया में स्टैंडिंग वाटर रखते हैं, उसकी वजह से भी ये विंड जो है सॉइल डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन जो है कम हो सकती है। तो ये थे आपके लैंड रिसोर्सेज, बट जो लैंड रिसोर्सेज है दे आर इन कनेक्शन विद अनदर रिसोर्सेज जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।